up. जैसा कि आप देख रहे हैं, सिरसा पुलिस ने एक मार्शल आर्ट का कैंप आयोजित किया है। वो अगले 3 दिन चलेगा। सभी महिलाएं और सभी लड़कियां या छोटे बच्चे कोई भी इसको सीखना चाहते हैं तो आज से ये शुरू हो रहा है और 3 दिन तक लगातार चलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा। टाइगर मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से तथा जो हमारे रोड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं इनकी तरफ से इसका आयोजन किया गया है। मकसद सेल्फ डिफेंस बच्चे कर सकते हैं इसमें अपना, और कोई भी ऐसा जो है अनटूवर्ड इंसिडेंट वो रोका जा सकता है। आजकल जो घटनाएं हो रही है उसके मैं देखकर ये समझती हूँ कि मार्शल आर्ट सीखे लड़कियां, बहुत 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 जरूरी है। और अगर लड़कियां सीख ले तो ये हादसा भी होना बंद हो जाएगा और लड़कियां हैं जो अपनी रक्षा बहुत स्टैंडर्ड से कर सकती हैं। अगर आज के टाइम में देखा जाए तो ये कैंप बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की आजकल घटनाएं हो रही हैं तो लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए ये सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि अब हम कहीं भी अगर चलते हैं तो इसका कोई भी मतलब भरोसा नहीं है कि कब कौन आपके ऊपर अटैक कर दे, तो हमें मार्शल आर्ट बहुत जरूरी है। समझती हूँ कि हर लड़की को अपनी अपनी मतलब सेफ्टी करनी आनी चाहिए। कोई भी मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर में इतना मतलब वेला है कि अपनी मतलब बेटियों के साथ बाहर जा सके, तो मुझे लगता है कि हर लड़की को अपनी सेफ्टी खुद करनी आनी चाहिए। इसके साथ साथ तो सोसाइटी को भी अपनी सोच बदलनी चाहिए, सभी को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए लड़कियों के लिए, तो मुझे लगता है तभी हमारी सोसाइटी और हमारी कंट्री इंप्रूव हो सकती है। कि मान लो हमने जो टाइगर मार्शल आर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया है, टाइगर का मतलब है कि हर बच्चा एक टाइगर की तरह पावरफुल हो, स्टेमिना हो और फ्लेक्सीबिलिटी हो बच्चे के अंदर। और बच्चा मान लो डिसिप्लिन, मार्शल आर्ट का सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चा डिसिप्लिन के अंदर रहता है, अनुशासन नहीं तोड़ता बच्चा। टिप्स ये दे रहे हैं कि लड़की मान लो कि अगर लड़की के ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहा है, लड़की को अगर मान लो कोई हाथ से पकड़ रहा है तो उसको कैसे छुड़ाना है, कैसे मान लो ग्रिप करना है, अगर कोई ग्रिप पीछे से आगे ग्रिप करता है लड़की को पकड़ता है तो उसको कैसे धराशाही करना है उसने।